Association of Wonderful Devotees. It is always a pleasure to have your association. And initially I had some issues with internet, but by your mercy I got connection. So in between, if it fails, please let me know. I'll change my location. So as Brij Prakash Prabhu mentioned, we are in Mayapur now, and especially we offered prayers for all of you so that we get some mercy. Like we know in all our Vaishnava acharyas, when they wrote Vaishnava songs, they have ended those Vaishnava songs with their name. Like Bhaktivinoda Thakur, Brij Prakash Prabhu, this should be in English or both? Prabhuji, both. Okay. So, hum log abhi Shridham Mayapur mein hain, aur Mayapur Dham mein sabhi bhakton ke liye humne prarthna ki. To isme niji roop se hamara bhi swarth hota hai. क्योंकि हम देखते हैं हमारे सारे वैष्णव आचार्यों ने जो भजन लिखे हैं वो भजन के अंत में स्वयं का नाम दिया है. तो वो स्वयं का नाम क्यों दिया है? जैसे रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, भक्ति विनोद कृष्ण चरणे करे दुख निवेदन. Why they have ended these भजन्स with their own name? क्या वो लोग मान प्रतिष्ठा के पीछे थे? Did they hanker for name and fame? Why did they put their name in the end? Because they knew in future, if somebody, some Vaishnav will read this song, this will be prayer to Krishna on their behalf. Kyunki unko malum tha, aage jaake yadi koi Vaishnav unki in prarthnaon ko padhenge, to unke behalf pe, unke liye Bhagwan se prarthna karenge. Aaj hum log हजारों हजारों लोग रोज गाते हैं, गुरु वंदना गाते हैं, हम लोग रोज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे गाते हैं, और लास्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास. इन लास्ट वी प्रे फॉर नरोत्तम दास ठाकुर एक्चुअली. सो इन दैट वे आवर वैष्णव आचार्यस हैव टॉट दैट व्हेन अदर वी प्रे फॉर अदर वैष्णवस, दैट इज ग्रेटर देन प्रेइंग फॉर अवर सेल्फ. सो दैट इज the secret. और मैं एक और वैष्णव से सुन रहा था कि धाम पांच प्रकार से प्रकाशित होता है. In five ways, holy धाम, holy place manifests. First is गोलोक. Like in गोलोक, there are two sections. One is Vrindavan and one is Navadvip. So पहला है गोलोक, जहां दो खंड हैं, एक वृंदावन और एक नवदीप, जो कि नित्य रूप से आध्यात्मिक जगत में हमेशा रहता है, विच ऑलवेज रेस्ट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सेकेंड मैनिफेस्टेशन ऑफ धाम इज भौम, लाइक भौम वृंदावन, भौम मायापुर. दैट मीन्स व्हाट? वेयर एवर कृष्णा कम्स, He brings his dham with him. जहां भी भगवान अपनी लीला करते हैं वहां अपने धाम को साथ में लेके आते हैं. स्वपार्षद शिव धाम सह अवतारी. सो वो अपने धाम को साथ में लेकर के आते हैं. ऐसे स्थान को भौम वृंदावन या भौम मायापुर बोलते हैं. तो इस पूरे सृष्टि में कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण की, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है, और उस स्थान को भौम आध्यात्मिक जगत बोलते हैं. तीसरे रूप से धाम प्रकाशित होता है, उसको बोलते हैं गुप्त वृंदावन या गुप्त मायापुर. गुप्त क्यों है? क्योंकि वो बाह्य रूप से तो दिख रहा है, लेकिन भगवान की लीला उधर अभी हमारे चर्म चक्षुओं से हम नहीं देख पा रहे. इट इज गुप्त, इट इज हिडन, बिकॉज ऑल दो द लैंड इज देयर, वी आर सीइंग मायापुर इज देयर, वृंदावन इज देयर, but we can't see manifested pastimes of Krishna or Chaitanya Mahaprabhu. So this is third type of dham.
दिस फोर्थ टाइप ऑफ धाम इज प्राकट्य वृंदावन वेयर ए प्योर डिवोटी मैनिफेस्ट वृंदावन एट सम पर्टिकुलर प्लेस लाइक शिल प्रभुपा एस्टैब्लिश्ड न्यू वृंदावन इन अमेरिका लाइक शिल प्रभुपा एस्टैब्लिश्ड न्यू मायापुर इन फ्रांस. So although that place was not sacred place, but by a pure devotee's mercy, a pure devotee established dham there. Like in Mayapur, we have Radha Kunda, Shyam Kunda, Govardhan established by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. In Mumbai, we have Govardhan Eco Village established by Srila Radhanath Maharaj. So this is like pure devotee establishing dham, is Prakatya Vrindavan. एक शुद्ध भक्त जब धाम को आकर्षित करके आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में कोई क्षेत्र में स्थापित करते हैं उसको प्राकट्य धाम बोलते हैं. एंड फिफ्थ विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ धाम इज मानस वृंदावन और मानस मायापुर. पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण धाम का प्रकाश है मानस वृंदावन. हमारे मन में हम वृंदावन को प्रकट कर सकते हैं. इन अवर माइंड वी कैन मैनिफेस्ट वृंदावन. दोज हु आर प्योर सोल्स दे रिमेंबर कृष्णा एंड बाय रिमेंबरेंस ऑफ कृष्णा कृष्णा अपीयर्स एंड दैट इज वृंदावन. सो देयरफॉर राधा स्वामी महाराज टोल्ड इन हिज लेक्चर धाम इज मैनिफेस्टेशन सॉरी वृंदावन इज स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. If our state of consciousness is pure, the dham reveals himself in our mind. तो अगर हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित होती है तो भगवान अपने धाम को हमारे मन में प्रकट करते हैं और उस स्थिति में हम मानस वृंदावन में वास करते हैं. तो जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो उन्होंने वृंदावन छोड़ा नहीं, वो मानस वृंदावन को साथ में लेकर के गए. इसलिए वो अपनी निजी डायरी में लिखते हैं कि ये ब्रुकलिन भी वैकुंठ है. अभी ब्रुकलिन जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा न्यूयॉर्क में आज भी वहां शराब पीकर के लोग पड़े रहते हैं. तो उस समय तो हिप्पी आंदोलन था, उस समय तो स्थिति बहुत बुरी थी. बट प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, ये भी वैकुंठ है. सो दिस कॉन्शियसनेस विच प्रभुपाद कैरीड वेयर ही लेफ्ट वृंदावन एक्सटर्नली बट इंटरनली ही कैरीड वृंदावन इन हिज माइंड एंड दैट कैरिंग ऑफ वृंदावन इज मानस वृंदावन. Which is very important. So let us pray to Srila Prabhupada and all Acharyas that externally we may be anywhere in this world, but we carry their teachings in our heart. We carry the teachings of Srimad Bhagavat in our heart, and that way we always reside in Mayapur Dham. So हम लोग अपने आचार्यों के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि बाह्य रूप से हम कहीं भी रहें, किसी भी देश में रहें, लेकिन अगर हम उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास करें, श्रीमद् भागवत के आदेशों का पालन करने का प्रयास करें, तो हम लोग नित्य रूप से मायापुर में वास कर सकते हैं. श्रीमद् भागवत वास्तव में यही संबंध है. भागवतम इज दिस रिलेशन बिटवीन कृष्णा एंड हिज डिवोटीज. कृष्णा हैज हिज ओन वेज टू ड्रॉ हिज डिवोटीज टुवर्ड्स हिम. And devotees has their own ways to show their unparalleled surrender towards Krishna. भगवान श्री कृष्ण के अनेक अनेक उपाय हैं कैसे वो अपने भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. और भक्त लोग भी अनेक अनेक रूप से भगवान के प्रति अपनी पूर्ण शरणागति को प्रस्तुत करते हैं. जैसे कि हम अभी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के सप्तम अध्याय का पाठ कर रहे हैं और यहाँ पर स्थिति है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र पांडवों के ऊपर छोड़ा है. सो वी आर रीडिंग फ्रॉम फर्स्ट कैंटो सेवेंथ चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड द सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल वेयर अश्वत्थामा हैज रिलीज्ड ब्रह्मास्त्र टू किल पांडवास. एंड द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक इन दिस चैप्टर इज The Brahmastra is shot and Arjun is offering prayers to Krishna. इसमें से सबसे रोमांचिक बात मुझे ऐसी लगती है कि ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया है और उसके बाद भी अर्जुन
कृष्ण को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं. वी कैन इमेजिन इफ वी आर स्टैंडिंग इन सम प्लेस एंड सम एनिमी शॉट वन बुलेट टूवर्ड्स अस, विल वी हैव टाइम टू रियली ऑफर प्रेयर्स टू कृष्ण? वील रन और वील डू समथिंग, but krishna but arjuna is offering prayers to krishna. He is offering 3-4 verses and then he is telling, what is this coming in front? It is releasing so much heat, please tell what is it. Hum log yadi kisi kshetra mein khade ho aur koi hame banduk se goli chala de to hum apne aap ko bachane ka prayas karenge, ye swabhavik hai. Parantu yahan arjun ke upar brahmastra chala hai aur arjun कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं 3-4 श्लोकों में, और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि ये क्या आ रहा है, इससे इतना तेज निकल रहा है, इतना ताप निकल रहा है, हमको क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ए कंडीशन सोल एंड ए प्योर सोल. यही अंतर होता है एक बद्ध जीव में और एक शुद्ध भक्त में. एक शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं और एक बद्ध जीव हमेशा अपने प्रयास से खुश होने का कोशिश करते हैं. ए प्योर डिवोटी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कृष्णा इन एवरी सिचुएशन एंड ए कंडीशन्ड सोल ट्राई टू बी हैप्पी सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. सो वी आर रीडिंग 27th वर्स फ्रॉम दिस चैप्टर. नाउ अर्जुन हैज ऑफर्ड हिज प्रेयर्स एंड अर्जुन हैज आस्क्ड कृष्णा, please tell me what is this energy, what is this heat, what is this weapon coming in front of us. So now Krishna is replying. Sri Bhagavan Vacha Vethedam Drona Putrasya Brahmam Astram Pradarshitam Nevaso Veda Samharam Prana Badha Upasthite. The Supreme Personality of Godhead said, know from me that this is the act of the son of Drona. He has thrown the hymns of nuclear energy, Brahmastra, and he does not know how to retract the glare. He has helplessly done this, being afraid of imminent death. Shri Bhagwan bol rahe hain ki aap ye janiye ki द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है और उनको ये ब्रह्मास्त्र वापस कैसे लेना है ये नहीं आता. और उन्होंने ये ब्रह्मास्त्र क्यों छोड़ा है? क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु से भय लग रहा है. अभी कौरव सेना मर चुकी है और इस स्थिति में जहां दुर्योधन आदि सभी ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, अभी अश्वत्थामा को भय है कि उसका भी वध हो जाएगा. Ashwatthama is fearful that he will also be killed because whole Kaurav Sena, army of the Kauravas, is killed. Even Duryodhan is killed. And he has done the heinous act of killing the sons of Draupadi. Aur unhone ek bahut hi nikrisht kaam kiya Draupadi ke putron ko maar ke. To unke andar wo bhi glani thi ki mujhe maar diya jayega. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur tells that Krishna is telling Arjun that can't you see, don't you recognize this weapon? You know how to release Brahmastra. So don't you know that this Brahmastra is basically the weapon which releases heat? So if you know this, why are you asking me? So Arjun is smiling. Arjun is smiling because he wants to tell Krishna, I don't want to take decision myself. I want to depend on you. Chakravarti Pad batate hain ki jab Arjun ne prashna pucha Krishna se ki kaun sa astra aa raha hai, to Krishna Arjun ko bolte hain ki kya tum isko pehchante nahi ho? Tum to khud brahmastra ko jaanta ho, tum khud brahmastra chalate ho, to tum mujhse kyon pooch rahe ho? To Arjun haste hain. और हंस के कृष्ण को संबोधन करते हैं, अभी मेरा जीवन आपके ऊपर निर्भर है, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि मेरे जीवन में मुझे क्या करना चाहिए. इन मटेरियल वर्ल्ड देयर इज नो सच शेल्टर.
Why people are so unhappy? Why people are suffering? Because they don't have such shelter. भौतिक जगत में लोग क्यों दुखी हैं? क्यों उनके जीवन में इतने असमंजस है? क्योंकि उनके जीवन में कोई शरण्य वस्तु नहीं है. किसकी शरण में जाएंगे उनको पता नहीं. इसलिए अश्वत्थामा यहाँ पर डर के मारे ब्रह्मास्त्र छोड़ देते. उनको पता नहीं है कहाँ जाना है. और यहाँ जिसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला है वो कृष्ण को पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, जबकि वो समर्थ है ब्रह्मास्त्र को ध्वंस करने के. सच ए पैराडाइम डिफरेंस. अश्वत्थामा हु इज नॉट एज एक्सपर्ट एज अर्जुन रिलीजेस ए वेपन इन हिज पैनिक सिचुएशन एंड द पर्सन ऑन होम अटैक वेपन वॉज वेपन इज अटैक्ड ही इज मोर एक्सपर्ट देन अश्वत्थामा बट ही इज डिपेंडिंग ऑन कृष्ण एंड ही इज आस्किंग वॉट टू डू. Another such example comes in Bhagavatam of Durvasa and Amrish Maharaj. When Amrish Maharaj was attacked by Durvasa's potency, Amrish Maharaj did not move even an inch from his place. This is surrender. जब दुर्वासा ने अमरीश महाराज के ऊपर शक्ति से उनको वध करने के लिए व्यक्ति छोड़ा था तो अमरीश महाराज अपने स्थान से एक इंच भी हिले नहीं. ये शरणागति का लक्षण है क्योंकि उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के. बिकॉज अमरीश महाराज हैड फुल फेथ दैट इफ कृष्णा वांट्स टू किल मी नोबडी कैन सेव मी एंड इफ कृष्णा वांट्स टू सेव मी नोबडी कैन किल मी. So that way, Amrish Maharaj showed perfect surrender. But look at Durvasa. When Durvasa saw Sudarshan was chasing him, Durvasa started the world tour. He started visiting Brahmalok, Shivalok, Vaikuntha. Everywhere Durvasa started to move, that took him 1 year to come back to Amrish. And look at Durvasa ke case mein kya hua. जब दुर्वासा मुनि के ऊपर चक्र ने प्रहार किया, उन्होंने देखा कि चक्र उनके पीछे आ रहे हैं, तो दुर्वासा मुनि ने विश्व भ्रमण शुरू कर दिया. वो ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए, विष्णु के पास गए, 1 साल तक भटकते रहे उस चक्र से छूटने के लिए. अंततः अम्बरीश महाराज के पास आए. तो शरणागत भक्त में और एक भौतिक व्यक्ति में ये अंतर होता है. This is the difference between a surrendered soul and a materialistic soul. Like whenever we go to Krishna, even if it is good situation or if it is difficult situation, we should leave choice on Krishna. कोई बोल सकता है ना कि अभी ब्रह्मास्त्र सामने से आ रहा है, अर्जुन को जस्ट निकाल के शूट कर देना चाहिए. It's obvious. कभी कभी हमको लगता है ना कि यही तो प्रभु जी बोलेंगे, अभी क्या गाइडेंस लेना है इसमें, प्रभु जी तो यही बताने वाले. समटाइम्स वी फील दैट दिस इज द ऑब्वियस चॉइस. इवन इफ आई टेक गाइडेंस इन माय लाइफ, व्हाट डिवोटीज विल टेल? चैंट नाइसली, रीड प्रभुपाद बुक्स, एट मोस्ट व्हाट दे विल टेल. सो वी टेक दिस गाइडेंस फॉर ग्रांटेड. बट अर्जुन शोड परफेक्ट सरेंडर. वी हैव टू डिपेंड ऑन कृष्ण. दैट इज भक्ति. भक्ति मतलब ही है भगवान के ऊपर निर्भर करना. देखिए कई बार बाह्य रूप से देखने में लगता है कि भगवान सहायता नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है भगवान हमारे जीवन में वही देते हैं. एक्सटर्नली मेनी टाइम्स इट सीम्स दैट कृष्णा इज नॉट हेल्पिंग अस, बट व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर अवर स्पिरिचुअल लाइफ कृष्णा गिव्स अस दैट. Like Vritrasur died, we read in 6th canto. Vritrasur was killed by Indra. But our acharyas write commentary, who won? Indra won or Vritrasur won? Indra stayed back in material world ruling over heaven. And Vritrasur went back to Godhead. So who actually won? Vritrasur won. Although Vritrasur was killed, but Vritrasur
won the battle. जहां हम छठे स्कंद में षष्ठम स्कंद में पढ़ते हैं कि वृत्रासुर को इंद्र मार देते हैं और आचार्य लोग बताते हैं कि कौन जीता है, वृत्रासुर ने विजय प्राप्त की है या इंद्र ने विजय प्राप्त की। इंद्र भौतिक संसार में ही रह गए, भौतिक संसार में ही रह करके स्वर्ग पे उन्होंने राज किया, लेकिन वृत्रासुर भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में चले गए। तो वास्तव में मरने के बाद भी वृत्रासुर की विजय हुई, इंद्र की विजय नहीं। हम लोग देखते हैं प्रभुपाद के जीवन में, प्रभुपाद ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की और किसी कारणवश उनको स्थान को छोड़ना पड़ा। कोई बोल सकता है कि ये प्रभुपाद के जीवन में एक बहुत बड़ी असफलता थी, लेकिन अगर वो झांसी का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता तो क्या प्रभुपाद अमेरिका जाके इस्कॉन शुरू करते? उनको झांसी में समय देना पड़ता। तो भगवान ने हमारे लिए क्या जीवन में रखा है हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक शुद्ध भक्त इसलिए पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर करता है। Somebody may apparently say that Prabhupada failed in Jhansi. When before going to America, Prabhupada established League of Devotees in Jhansi. And due to some political pressure, he had to leave that place. And then that whole League of Devotees could not continue further. So, if we just hypothetically believe that Jhansi project would have gone successful, then Prabhupada would have never gone to US. He would be busy in Jhansi. So Krishna failed, apparently failed Prabhupada in Jhansi for a bigger success in future. So that way, a pure devotee is always dependent on Krishna. So here Arjuna is asking Krishna what to do. And Krishna is telling how Ashwatthama released this Brahmastra. Next shloka, 28th verse. Nahi asyan yatmanam kinchit astam pratyavaksharam shanam jahi astra tej unnadham astragyohi astra tejasa. O Arjun, only another Brahmastra can counteract this weapon. Since you are expert in military science, subdue this weapon's glare with the weapon of your own weapon, with the power of your own weapon. भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस ब्रह्मास्त्र के प्रताप को क्षय कर सकता है, इसलिए आप जो शस्त्र अस्त्र विद्या में निपुण हैं, अपने अस्त्र की शक्ति से इस अश्वत्थामा के अस्त्र को ध्वंस कीजिए। अर्जुन इस तरह शरणागति कृष्ण के ऊपर दिखा रहे हैं, इसीलिए कृष्ण उनको डिटेल में गाइड भी कर रहे हैं। इट इज टू वे रिलेशनशिप, द वे वी अप्रोच कृष्ण, दैट वे कृष्ण रेसिप्रोकेट्स, द वे अर्जुन इज डिपेंडिंग ऑन कृष्ण, कृष्ण इज गिविंग हिम गाइडेंस इन डिटेल्स। व्हाई डिवोटीज डोंट गिव अस गाइडेंस इन डिटेल्स? Because we don't show that kind of surrender. We show limited surrender, we get limited guidance. At most, devotees will ask, how is your health, Prabhu? How is everything in family? Nice. Okay, good. This is not just guidance. The more we become dependent on devotees, they will go in details of our spiritual life. Prabhu, how is your japa going? Prabhu, how is your sadhana going? How is your consciousness going towards Krishna? Are you becoming more surrendered towards Guru's mission? Are you becoming more surrendered towards your ultimate goal of going back to Krishna? This is detailed blessing. कई बार भक्त हमसे पूछ लेते हैं, प्रभु जी कैसी आपकी तबीयत है, कैसा घर में सब चल रहा है, कैसा जॉब चल रहा है। ये भी एक एक स्थान से भक्तों का प्रेम है, लेकिन इससे बड़ा प्रेम होता है जब हम शरणागति दिखाते हैं। तो उस समय पे भक्त लोग हमारे आध्यात्मिक रूप से मदद करने का प्रयास करते हैं। वो हमें पूछते हैं कि क्या आप गुरु की सेवा में ज्यादा समर्पित हो रहे हैं, क्या आपकी चेतना शुद्ध हो रही है, आपका जप कैसा चल रहा है, आपका भागवत पाठ कैसा चल रहा है, आप क्या अपने
गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो कृष्ण की ओर हमको बढ़ना है, क्या आप अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं? इस तरह भक्त हमें तब गाइड कर पाएंगे जब हमारा सरेंडर, हमारी शरणागति उस तरह से भक्तों के पद तरफ होगी। ये यथा माम प्रपद्यते, ये भगवान गीता में भी बोलते हैं, जैसा हम उनकी तरफ जाएंगे वो हमारी साइड वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। अगला श्लोक अभी सुत गोस्वामी बता रहे हैं। सुत वाचा श्रुत्वा भागवता प्रोक्तम फाल्गुना परवीरवा वीरहा स्पृष्ट्वपस्तं परिक्रमा ब्रह्मं ब्रह्मास्त्रं संदधे। श्री सुत गोस्वामी सेड, हियरिंग दिस फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड अर्जुन टच्ड वाटर फॉर प्योरिफिकेशन आफ्टर सरकमएम्बुलेटिंग लॉर्ड श्री कृष्णा ही कैस्ट हिज ब्रह्मास्त्र वेपन टू कॉन्ट्रैक्ट द अदर वन। सुत गोस्वामी आगे बता रहे हैं कि जैसे ही अर्जुन ने भगवान से सुना कि आप ब्रह्मास्त्र का प्रहार कीजिए, अर्जुन शुद्धिकरण आचमन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करते हैं और ब्रह्मास्त्र को प्रहार करते हैं। ये एक और लक्षण है शरणागति का, परिक्रमा। सरकमएम्बुलेटिंग इज अनादर एस्पेक्ट ऑफ शरणागति। वॉट एवर वी डू इन अवर डिवोशनल सर्विस हैज डीप मीनिंग बिहाइंड इट। जो भी हम भक्ति में करते हैं उन सारी प्रक्रियाओं के पीछे एक बहुत ही गहन एक एक कारण होता है, एक उपाय, उसके पीछे एक निश्चित वजह होती है कि हम क्यों ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं। कई बार हमारी भक्ति एक परंपरा जैसी दिखती है। मैनी टाइम्स वी सी अवर डिवोशनल प्रैक्टिसेस एज रिचुअल्स, बट दैट इज नॉट ट्रू। एवरीथिंग वी डू इन डिवोशनल सर्विस हैज अ डीप मीनिंग। जो भी हम भक्ति में करते हैं उसके पीछे एक बहुत ही गहरा एक संबंध जुड़ा होता है हमारी आध्यात्मिक प्रगति से। जैसे कि यहाँ पर परिक्रमा का महत्व बताया है। व्हाई वी सरकमएम्बुलेट? बिकॉज कृष्णा इज द सेंटर ऑफ अवर लाइफ। लाइक इन अवर स्कूल डेज वी यूज्ड टू यूज कंपास। देर इज वन वन प्लेस वेयर यू फिट द पेंसिल एंड देर इज अनदर प्लेस वेयर देर इज निडल एंड यू कीप द निडल इन द सेंटर एंड देन यू प्लेस द पेंसिल एंड यू रोटेट इट, देन इट मेक्स अ सर्कल। हम लोग स्कूल में एक प्रकार प्रकार बोलते थे, हम उसको हिंदी में कंपास बोलते हैं इंग्लिश में। उससे एक गोला बनाया जाता है, उसमें एक तरफ पेंसिल फिट की जाती है, दूसरी तरफ सुई जैसी एक डंडी होती है, उसको बीच में रख करके हम लोग गोला बनाते हैं। उस गोले के आधार पर, उस बिंदु के आधार पर गोला बनता है, उस केंद्र के आधार पर गोला बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेंटर्स द सर्कल डेवलप्स। दैट इज डिवोटीज लाइफ। हिज लाइफ इज सराउंडेड जस्ट कीपिंग सेंटर एज कृष्ण। वट एवर ही डज डजंट मैटर। ए डिवोटी डज हिज बिजनेस, डिवोटी मेंटेन्स हिज फैमिली, डिवोटी प्रीचेस, डिवोटी ईट्स, डिवोटी स्लीप्स, वट एवर ही डज द सेंटर पॉइंट इज कृष्ण। दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। To always think about how to connect my life to Krishna. I am eating, let me offer and eat. I am reading, let me read about Krishna. I want to speak, let me speak about Krishna. That is Krishna consciousness. तो यहाँ पर परिक्रमा के आधार पर बताया है कि कैसे भक्तों के केंद्र बिंदु होते हैं भगवान श्री कृष्ण। उनके जीवन में वो जो कुछ भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, कृष्ण को केंद्र रखे करते हैं, उसी को बोलते हैं कृष्ण भावना। जब हम हर क्षेत्र में ये प्रयास करते हैं कैसे कृष्ण से हम संबंधित हो, कोई भी बड़े व्यक्ति से हम संबंधित होना चाहते हैं, एनी फेमस पर्सन, पीपल वॉन्ट टू आइडेंटिफाई विद देम, कनेक्ट विद देम, शो दैट वी आर समहाउ कनेक्टेड टू फेमस पर्सन। सो कृष्ण इज द मोस्ट फेमस पर्सन। कृष्ण सर्वश्रेष्ठ, सर्वाकर्षक, सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति है कृष्ण।
अगर हम उनसे संबंधित हो जाएंगे तो हमारे जीवन की सफलता है। अगले श्लोक में बताया जा रहा है, मैं समय कम है इसलिए ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। When the rays of two Brahmastra combined, a great circle of fire like the disk of sun covered all outer space and whole firmament of planets. All the population of three worlds was scorched by the combined heat of the weapons. Everyone was reminded of Samvartaka fire, which takes place at the time of annihilation. जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और अर्जुन का ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं, इतनी ज्वाला निकलती है, इतना तेज निकलता है जैसे मानो सूर्य से निकल रहा हो, और पूरे ग्रह पे, पूरी पृथ्वी पे इतना ताप बढ़ जाता है मानो संवर तक आग लग गई हो जो कि प्रलय के समय पर आती है। तो पूरी सृष्टि उस ताप से, तीनों लोक उस ताप से जलने लगे। The inhabitants of three worlds were getting affected by the heat of this two brahmastras. See how a fool's action can affect the whole world. एक मूर्ख व्यक्ति की गलती कैसे पूरे संसार को प्रभावित कर सकती है, कष्ट में डाल सकती है, दुख में डाल सकती है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति में और एक महान व्यक्ति में क्या अंतर होता है? What is the difference between a fool and a great soul? Great soul don't just do compassion activities, but also contract the misdeeds of others. महान जो व्यक्तित्व होते हैं केवल परोपकारी नहीं करते हैं, लेकिन जो गलतियां बाकी समाज में मूर्ख लोगों ने करी हैं, उन गलतियों को सुधारने का भी बेड़ा उठाते हैं। This is greatness. A devotee is responsible to do good to this world. Who will do good to this world? इस दुनिया में कौन परोपकार करेंगे? एक भक्त को ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि वो इस संसार में करुणा बांटे, वो इस संसार में कृष्ण प्रेम बांटे। Nobody in this world wants to benefit others. Everybody wants to exploit each other. But a devotee of Krishna takes responsibility that I will not only benefit others, I will also correct their mistakes. This is compassion. एक शुद्ध भक्त केवल दूसरों पे परोपकार ही नहीं करता, लेकिन उनकी गलतियों को भी सुधारने की जिम्मेदारी लेता है, जिसके उदाहरण है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद is a perfect example of that. He was not only to give teachings of Bhagavad Gita, but he corrected people's bad habit. He helped them to come out of the clutches of material world. He showed unparalleled compassion to them. Srila Prabhupada ne keval Gita Bhagavat ka sandesh dekar ke logon ko akela nahi chhod diya. Srila Prabhupada ne unki zimmedari li. श्रील प्रभुपाद ने उनको मदद की कैसे उनकी बुरी आदतों से वो बाहर निकलें, कैसे वो भौतिक जगत के कलमश से बाहर निकल के शुद्ध भक्ति पे पहुंचे, ये जिम्मेदारी प्रभुपाद ने ली। ये वैष्णव होते हैं। यहाँ अर्जुन भी वही कर रहे हैं। गलती अश्वत्थामा ने की है और पूरा विश्व उससे प्रताड़ना झेल रहा है। यहाँ पर अर्जुन एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ के उस ब्रह्मास्त्र को खलित करना चाहते हैं। दैट इज वैष्णव। Here Arjun is also taking same responsibility. Ashwatthama did mistake, but Arjun released Brahmastra to counteract that mistake. That is Vaishnava. We also hear wonderful example of Vasudev Datta. Vasudev Datta was very dear associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Vasudev Datta prayed to Chaitanya Mahaprabhu that please take all souls back to you, because I don't want anybody to suffer in this world. Rather, I will suffer their karma, but you take everybody back with you. This is Vaishnava. Vaishnava don't just demonize people. They are bad. No, we are not Mayavadis.
this world is bad, people are bad, this whole system is bad. No. Vaishnavas show compassion and help people to rise above it. Vasudev Datta Mahaprabhu ke bahut niji parikar, और उन्होंने महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया कि आप सारी जीवात्माओं को अपने साथ आध्यात्मिक जगत ले जाइए और उनके सारे कर्मों के भोग मैं करूंगा, मैं उनके पापों के कर्म भोगूंगा, लेकिन आप उन सबको ले जाइए क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि कैसे जीवात्माएं यहाँ पर कष्ट भोग रही है। प्रहलाद महाराज ने भी वैसे ही भागवत में प्रार्थना की। तो ये वैष्णवों का सिद्धांत होता है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वैष्णवास, दैट दे वांट टू हेल्प दिस वर्ल्ड अनकंडीशनली। नेक्स्ट वर्स, दस सीइंग द डिस्टरबेंस ऑफ जनरल पॉपुलेस एंड इमिनेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लैनेट्स, अर्जुन एट वंस रिट्रैक्टेड बोथ ब्रह्मास्त्र वेपन्स एज लॉर्ड कृष्ण डिजायर्ड। तो जैसे ही अर्जुन ने देखा कि कैसे सारी सृष्टि में इन ब्रह्मास्त्रों के प्रताप से सभी लोग कष्ट भोग रहे हैं, तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को खलित कर दिया, नष्ट कर दिया, और यह सब हुआ श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार। लॉर्ड श्री कृष्ण टेल्स इन भगवद गीता, मया धक्षेन प्रकृति मई अध्यक्षेन, अंडर माय सुपरविजन दिस नेचर वर्क्स। If Krishna desired for destruction, he doesn't need any Brahmastra. But if Krishna does not want destruction, even two Brahmastras can't do anything. Arjun simply tuned his desire with Krishna. Arjun is perfectly representing Sura or demigods. Demigod means what? Demigod means one who tuned up his desire with Krishna. And what is Asura? Asura means one who cannot go along with Krishna's desire. This is basic difference between Devata and Danav, Sura and Asura. Jo Bhagwan ke Sur ke saath Sur mila sakte hain, woh hai Sur. Aur jo Besure hain, matlab jo Bhagwan ke Sur ke saath apne aap ko nahi mila sakte hain, woh hai Asur. To yahan par Bhagwan ki ichha ke anurup Arjun dono Brahmastra ko khalit karte hain. क्योंकि भगवान है माया अध्यक्षेन प्रकृति, उनकी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। यदि उनको सृष्टि का संहार करना होता तो उनको कोई ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु क्योंकि भगवान नहीं चाहते सृष्टि का खलन करना, तो इसीलिए भगवान की इच्छा अनुसार दो ब्रह्मास्त्रों का प्रताप से भी ये संसार बच गया। इससे सिद्ध होता है कृष्ण इच्छा से बड़ा और कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग मोर powerful than Krishna's desire. Next verse. Arjun, his eyes blazing in anger, like two red balls of copper, dexterously arrested the son of Gautami and bound him with ropes like an animal. Arjun, जो कि बहुत ही क्रोध में थे, उनकी दोनों आंखें तांबे के जैसी लाल हो गई और उन्होंने बहुत ही क्रूरता से जो अश्वत्थामा है, गौतमी का पुत्र है, उनको बांध लिया एक जानवर के समान। Somebody may challenge that why Arjun is angry? Is he going personal now? It was Dharma Kshetra, Kurukshetra. Is Arjun now angry because Ashwathama killed his sons? Is Arjun angry because Ashwathama is enemy of his family? Why Arjun is angry? Chakravarti Pad tells, Arjun was angry because Ashwathama broke the principles of Dharma. He was angry because there was decline in the religious principles. Dharma khalan hone ke krodh se Arjun jyada pareshan tha. Koi prashna pooch sakta hai ki Arjun, क्या अभी अपने निजी स्वार्थ के कारण अश्वत्थामा को इस तरह जानवर की तरह बांध लिए? क्या भक्त इस तरह आचरण करते हैं? क्या भक्त लोग निजी क्रूरता के कारण, निजी बैर के कारण क्या इस तरह आचरण करते हैं? अर्जुन इस तरह व्यक्ति नहीं है। अर्जुन जब देख रहे हैं कि अश्वत्थामा ने धर्म विरुद्ध काम किया है,
धर्म के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, इसीलिए अर्जुन को क्रोध आता है। एक बार भारत की सीमा पे दो सिपाही लड़ रहे थे और एक था पाकिस्तान से, एक था भारत से, दोनों लड़ रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि पाकिस्तानी जो सिपाही था उसके अस्त्र शस्त्र छूट गए, जो भी था उनके पास बंदूक में गोली खत्म हो गई, तो दोनों हाथ से लड़ने लगे। और हाथ से लड़ते लड़ते ये भारतीय योद्धा उस पाकिस्तानी सोल्जर के ऊपर चढ़ गया और उसको मारने ही वाला था मुष्टिका से। इतने में पाकिस्तानी सोल्जर ने, सिपाही ने उस भारतीय सिपाही के ऊपर थूक दिया। और जब थूक दिया तो इस भारतीय सैनिक ने उस पाकिस्तानी सैनिक को छोड़ दिया, बोले जा अब मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो उसको बड़ा विस्मय हुआ, भाई क्यों आप मुझे मारने वाले थे और मैंने आपके ऊपर थूक दिया, तो आपको तो ज्यादा गुस्सा आना चाहिए, तो आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, आपको तो और ज्यादा क्रोध में मुझे मारना चाहिए। तो भारतीय सैनिक बोलता है कि मैं तुम्हें पहले मार रहा था देश के लिए, अब जो तुमने मेरे चेहरे पे थूका है, मैं क्रोध आ रहा है निजी बैर के कारण, और अगर निजी बैर के कारण मैं तुम्हें मारूंगा तो मैं देश के लिए नहीं लड़ रहा हूं, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता। टू सोल्जर्स वर फाइटिंग, वन वॉज फ्रॉम पाकिस्तान, वन वॉज फॉर इंडिया। एट एन वन पॉइंट इंडियन सोल्जर वॉज ऑन टॉप ऑफ दिस पाकिस्तानी सोल्जर एंड वॉज अबाउट टू किल हिम, बट इन एट दैट वेरी मोमेंट दिस पाकिस्तानी सोल्जर स्पिट ऑन द माउथ ऑफ इंडियन सोल्जर एंड सडनली दिस इंडियन सोल्जर रिलीज्ड पाकिस्तानी सोल्जर। सो दिस पाकिस्तानी सोल्जर बिकेम वेरी क्यूरियस, यू आर अबाउट टू किल मी एंड आई स्पिट ऑन योर माउथ, आई स्पिट ऑन योर फेस, यू शुड बिकम मोर एंग्री, यू शुड किल मी, वाई यू रिलीज्ड मी। So this Indian soldier told, so long I was fighting for my nation, but when you spit on my mouth, that time, now it is a personal animosity and I don't want to waste my time for personal animosity. I want to fight for my country. This is difference. Arjun is fighting for Krishna. Arjun wanted to leave everything and become renunciate on the beginning of the battle. Why he'll become angry for personal things now? अर्जुन तो कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले ही सब कुछ छोड़ के बाबा जी बनना चाहते थे, तो अभी क्यों अपने निजी बैर के कारण अश्वत्थामा को बंदी बनाएंगे? It is only for Krishna's satisfaction. Next verse. After binding Ashwatthama, Arjun wanted to take him to the military camp. The personality of God is Shri Krishna, looking on with his lotus eyes, spoke to Arjun in an angry mood. जैसे ही अश्वत्थामा को बांध लिया अर्जुन ने, अर्जुन उनको अपने क्षेत्र में ले जाना चाहते थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो कमल नयन है, जिनकी आंखें कमल पुष्प के समान है, पद्म पुष्प के समान है, वो अर्जुन को क्रोध से बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर बात प्रभुपाद बोल रहे हैं, अर्जुन भी गुस्सा है, अर्जुन भी क्रोधित है, कृष्ण भी क्रोधित है, लेकिन अंतर देखिए, अर्जुन की आंखें कैसी हो गई थी, तांबे के समान लाल हो गई थी, और कृष्ण की आंखें कैसी हैं, क्रोध में भी कमल नयन है, कमल के समान है। कमल कैसा होता है? कमल सौम्य होता है, कमल शीतल होता है, कमल सुगंधित होता है, कमल सुंदर होता है। भगवान श्री कृष्ण क्रोध में भी पूर्ण रूप से सौम्य है। Here is a difference between Arjuna and Krishna, a jiva and a paramatma. Arjuna's eyes in anger became red hot like copper. And Krishna's eyes, although he is angry, but his eyes are like lotus. How is lotus? Lotus is beautiful. Lotus is soft. Lotus is fragrant. Lotus is providing cooling effect.
How can somebody provide cooling effect when he is angry? That is Krishna. His anger and his pleasure are same. Everything is sweet. Sab kuch Bhagwan ki har chiz madhur hai. Adharam madhuram, vadanam madhuram, nayanam madhuram, hasitam madhuram, hridayam madhuram, gamanam madhuram, madhuradipate akhilam madhuram. Adharam madhuram. His lips are sweet. Vadanam madhuram. His face is sweet. Nayanam madhuram. His eyes are sweet. In all condition. Here it is not in nayanam madhuram, not in anger. No. Nayanam madhuram always. Every time. Even if he is angry, his nayanam are madhuram. Hasitam madhuram. His smile is madhuram. Hridayam madhuram. His heart is madhuram. Why this heart is madhuram? Because no matter if he is angry on somebody or he is happy with somebody, he is going to benefit that person. Agar wo krodhit hai kisi se, chahe wo khush hai kisi se, unke hriday madhur hai. Hriday madhur hai matlab kya? Unke hriday se vyakti ke liye prem hi nikalne wala hai, chahe krodh ke roop mein prem aaye, chahe hasya roop mein prem aaye. Unke hriday se kabhi bhi ghrina nahi aati hai. Never hate comes from Krishna's heart. He is always, always, always merciful to jivas. Gamanam madhuram. His walking is sweet. Madhuradipate akhilam madhuram. Madhuradipate. He is the king of all sweetness. He is the king of all mellows. He is the king of all nectar. Akhilam madhuram. Everything is sweet in Krishna's personality. So even if when Krishna becomes angry, it is simply exhibit of his love for his devotees. Like we know Lord Narsingadev, where Lord Narsingadev appeared and he tear apart Hiranyakashipu's abdomen and he took out the intestines and he put in his neck. Our Acharyas write that is simply love for Prahlad. भगवान श्री नृसिंहदेव के विषय में आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए, उन्होंने हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया, उनकी आंतें निकाल के अपने गले में डाल ली. आचार्य लोग बताते हैं कि ये भी उनका प्रेम था प्रहलाद के लिए. भगवान का प्रेम है कि उनके भक्त को किसी ने कष्ट पहुंचाया है, वो प्रेम प्रदर्शित करने के लिए ये क्रोध. To exhibit his love for his devotees and somebody who is disturbing his devotees. How can Krishna tolerate that? That is love. So in all respects, Krishna is merciful to the jivas. Even though jivas may not be inclined towards him, then also Krishna doesn't leave them. Agar jivatmae Krishna ke prati unmukh nahi hoti hain, to bhi Krishna unhe chhodte nahi hain. Itna prem jivatmao se Krishna karte hain. ये सुंदर भागवत का ये खंड है जहां अर्जुन और कृष्ण के बीच में प्रेममय संबंध हम लोग देख रहे हैं. दिस इज अ ब्यूटीफुल सेक्शन फ्रॉम श्रीमद् भागवतम वेयर वी आर सीइंग ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन. भागवतम इज ऑल अबाउट दिस रिलेशनशिप्स. हाउ कृष्णा इज ग्रेट, हाउ हिज डिवोटीज आर ग्रेट एंड हाउ देयर रिलेशनशिप इज ग्रेट. वी आर जस्ट विटनेसिंग दैट ग्रेट dealings between Krishna and his devotees. हम लोग उस भागवतम के श्रेष्ठतम संबंध को देख रहे हैं जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जहां भक्त जो सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनके बीच में जो संबंध है वो सर्वश्रेष्ठ है. तो इन 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 संबंधों को हम देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं. इसी के लिए हमें आचार्यों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्री कृष्ण अर्जुन की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच प्रभु जी. बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं हम सब. आपने इतने सुंदर रूप से सीमायापुर धाम से हमको, पहले आपने धाम के बारे में बताया कि किस प्रकार से, पांच प्रकार से हम धाम को समझ सकते हैं.
And the wonderfully you explained about this wonderful aspect of the Vaishnava's behavior, कि कैसी स्थिति में भी अर्जुन जो है कैसे भगवान की वो उनको केंद्र में रख के परिक्रमा कर रहे हैं, उनकी उनको प्रार्थना कर रहे हैं, और उनका जो व्यवहार है भगवान के प्रति, एक वैष्णव कैसे व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं कंपेयर टू अश्वत्थामा, तो बहुत कुछ शिक्षाएं हमको मिली प्रभु. हमको लगता था कि बहुत सिंपल से वर्सेज हैं, ये काली एक वृत्तांत चल रहा है जहां पर कि ब्रह्मास्त्र के बारे में चर्चा हो रही है, बट आपने इतने अच्छे से मंथन करके और कई वैष्णव गुणों को आपने प्रकट किया, हम बहुत आपके आभारी हैं. वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू प्रभु. इफ यू हैव अ टाइम कैन वी टेक सम क्वेश्चन प्रभु, इफ यू आर नॉट बिजी इन सम अदर सेवा. या वी कैन ओके प्रभु जी. सो राजेंद्र प्रभु जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. I would like to thank you for wonderful lecture. And my question is that one question comes is that when Brahmastra is sent on the Arjuna, did he so much time that he still talk and he can take circumambulate Krishna? Because normally, as per my understanding, all weapons are instantly. And why Brahmastra takes so much time? And another question is, first we can have this question. See, Krishna is time personified. Krishna is time. So when devotees want to reciprocate with Krishna, Krishna can do anything. He can even tell Brahmastra to come slowly. Because, see, it's after all, it's main thing what Krishna wants to see is, how his devotees depend on him. Everything else is drama. Like when Indra is pouring rains in Vrindavan, externally, what is the thing? Oh, 7 days continuous rain. How difficult. What people ate, how people survived. But Krishna can control all that because that was the only time for 24 hours into 7 days, Krishna spent time with his devotees. So because Krishna is time, he can control anything. Like in mathematics, we have heard something lags by pi by 2. It goes slowly. You know, it accelerates by pi by 2. All these calculations, if we can do in maths, why Krishna can't do that? So these things work as per desires of Krishna. Therefore, when a devotee is sincerely surrendered to Krishna, Krishna can do any impossible thing possible. Srila Prabhupada wrote a very nice word in his song, Markine Bhagavad Dharma. We all heard that song, Bado Kripa Koile Krishna, Adha Mera Prati. So Prabhupada used a very nice word there, Kautuki. Tumi se Kautuki. Kautuki in Bengali, there is one meaning of Kautuki, that means magician. What magician does? Magician can make anything invisible. Like some person is standing, you'll put one curtain and that person will disappear. Magician can do that. And magician can bring out one rabbit from his hat or something. You know, he can create anything on spot. You know, as it appears as if he created a rabbit from his hat. So that way, Krishna is perfect magician. He can vanish anything in no time. And he can create anything in no time. So when Brahmastra is coming, Krishna says, okay, time please. My Arjuna is offering prayers. Let him complete prayers. Then you come. So Krishna can do that. Only thing is how much we are surrendered on Krishna. Thank you very much, Prabhuji. My next question was that the example which you have given for the Indian soldiers fighting with the Pakistani soldiers. So actually, here I'm not able to understand this properly because the soldier is about to kill that guy. He was supposed to, as per his dharma, he's supposed to kill that guy. Since he spit on him, he's not following his dharma. I understand like this. But yeah, so that is just a comparative example. But the main thing is how Arjun, who wanted to leave everything in the beginning of battle,
He wanted to leave his kingdom. He wanted to leave his family and become renunciate. That Arjun cannot get affected by any personal animosity. He's simply fighting for his dharma. That is the bottom line principle. Like, he is not conscious that Ashwatthama is there. Tomorrow, if his own son will go against dharma, then Arjun would do the same. That is the point. Thank you. हरे कृष्ण. देव गोविंद प्रभु जी, आपने अनमोट कर रखे अपने आपको. प्रश्न करते जी प्रभु. हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी, ये जो अध्याय अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, द्रोण पुत्र को दंड, तो प्रभु जी मेरा ये जिज्ञासा है कि इतने बड़े आचार्य के पुत्र होकर ये इतना खड़ कैसे बन गए? तो उनके जो पिताजी उनको ज्ञान देने में कमी या उसका कर्म फल, ऐसा थोड़ा जी. देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रदर्शित करता है कि केवल एक उच्च कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति उस स्थान को प्राप्त नहीं करता. गुण कर्म विभाविष, वो गुणों को और कर्मों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा. जैसे प्रहलाद महाराज का जन्म किस कुल में हुआ था? प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के कुल में जन्म लिया. उनको बचपन से क्या ट्रेनिंग दिया था? षण अमर को उनको क्या ट्रेनिंग देते थे? लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने अपने गुणों से, अपने कर्म से नारद मुनि की शिक्षाओं को प्राप्त की. नारद मुनि की शिक्षाओं को प्राधान्यता दी, इसलिए भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज बन गए. उसी तरह से हमारे जीवन में, अभी मैं एक भक्त से बात कर रहा था कुछ समय पहले, तो भक्त यही बता रहे थे कि भगवान हमारे जीवन में चॉइस देते हैं. भगवान हमें ये नहीं बोलते आप ये करो वो करो, हमें चॉइस देते हैं. अच्छा गुण है, बुरा गुण है, आपको क्या स्वीकार करना है? ये लेफ्ट रास्ता है, राइट रास्ता है, इधर ये होगा, इधर ये होगा, आपको क्या चूज करना है? उसी तरह अश्वत्थामा को ट्रेनिंग तो बराबर मिली, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का पक्ष लेने का निर्णय किया, इसीलिए उनका इस तरह गति. उनके लिए बार बार प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं, ब्रह्म बंधु. वो ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म बंधु है. उनके कुल में, ब्राह्मणों के कुल में आए हैं, लेकिन उस तरह आचरण नहीं. तो द्विज बंधु, ब्रह्म बंधु, इस तरह जो प्रभुपाद बार बार तात्पर्य बताते हैं, उसी लिए बताते हैं कि हम लोग जो कृष्ण भावनामृत में आए हैं. मुझे याद है जब हमारा ब्राह्मण दीक्षा हुआ था, तो श्री श्रीमद भक्ति चारु स्वामी महाराज ने बोला था कि मैं आपको ब्राह्मण दीक्षा दे रहा हूं, आप ब्राह्मण नहीं बन रहे हैं, आप ब्राह्मण बनने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं. अभी आप यदि इसका आचरण ठीक से करेंगे तो ब्राह्मण बन सकते हैं. मैं आपको अवसर दे रहा हूं ब्राह्मण बनने का. ऐसा नहीं कि फेतर डालने से हम ब्राह्मण बन गए. तो उसी तरह अश्वत्थामा बहुत बड़े आचार्य के पुत्र हैं, ये सही बात है, लेकिन अगर आचरण उस तरह नहीं होगा तो वो ब्राह्मण बंधु ही रह जाएंगे, ब्राह्मण नहीं कहते. थैंक यू प्रभु जी. माता जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन. यस प्रभु जी, थैंक यू. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्णा. दंडवत टू ऑल असेंबल्ड हियर. थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल एज यूजुअल नेक्टेरियन क्लास. प्रभु जी, the one in the reference to context which you mentioned, Rake Krishna Mare Ke, Mare Krishna Rake Ke, that was really very, very, very apt. I was just contemplating on something since morning, but then that was really a solace giving solution. And my question here is, Prabhuji, you were mentioning that a great personality, Mahatma, is a person who is not only following what has to be followed, but also he, like how he was contracting the Brahmastra, in that you were mentioning, like he also corrects other persons so that it is helpful for him. So like if it is a, we can understand this, but in devotee circle sometimes Prabhuji we see that, you know, some people have this tendency of keep on correcting others, you know, from top to top. Then at last while going they'll say,
if there's anything offensive, kindly forgive. It is, I mean, personally, I'll tell you, Prabhuji, it's not palatable at all. Maybe it's because of my ego. But end of the day, yes, we contemplate what whoever is saying this, we think, okay, definitely we should follow because he's also following it. But there is some, I feel there has to be some etiquette to ask or to tell, which is, I don't know, Prabhuji, this is what is going on in my mind. Yeah, so how to deal with it? Because even I could come across somebody making some mistake. We don't tell, you know, on the face. You're doing like this? Is this the way to do? Don't you know like this? We don't ask like that. We tell this is how it is generally done. You're doing it differently. Is there any reason? We ask. Then the message is conveyed. But at the same time, we're giving an opportunity to the other person to explain himself or herself why they're doing. Because there can be exceptions. It is between them end of the day and his or her guru and Krishna. So how, because this has to be really instructive for all of us, we are here. So kindly guide us, Prabhuji. Thank you. I'll share something about this very important question and very relevant for devotee community. I'll try to share on this aspect from two sides. One is from the person who is giving correction. Or rather, I'll first tell from the side of receiving correction. See, it is in fact a blessing that we are getting corrections. I heard from my spiritual master, he told the darkest day in our Krishna consciousness will be when nobody will want to correct us. So when somebody is correcting us, let us welcome that. So from our side, this should be the attitude. But when it comes for giving correction, we have to understand one thing. If you don't have sufficient balance in your account, and if you try to withdraw more than you invested, the check will bounce. And this is what, you know, we witness most of the times. We have not invested that much in that devotee, and we are expecting that we are his deliverer in one sense. You know, we will correct him. We will offer him all chastisement or correction. Or without us, how he will survive in his bhakti. Actually, investment has to be more than withdrawal. Like we read the pastime of Prithu Maharaj. When Prithu Maharaj took charge, earth was not giving any grains. And Prithu Maharaj started to chase earth. Earth was in the form of a cow. And Prithu Maharaj was chasing the cow. And it is astonishing to read in Bhagavatam, Prithu Maharaj tells that if you don't supply grains to my citizens, I am going to slaughter you and I'll supply your flesh to my citizens. Now, first of all, killing a cow is sinful. And secondly, chastising earth in this way, it is very surprising. How can Prithu Maharaj, who is incarnation of God, he's talking about killing a cow. Our acharyas tell such a nice explanation. They tell somebody who can love can only chastise. Somebody who doesn't know how to love does not have any right to chastise. Prithu Maharaj can chastise earth in this way because earth is Vishnu's wife. In one way, Prithu Maharaj's wife. So the way Vishnu loves earth, that way he can chastise also. That is his right. But if somebody doesn't know how to love, he cannot chastise. So when we deal with Vaishnava community, we have to understand this thing. First thing is Maryada. Somebody who is more senior to us, we are nowhere going to correct them. Even if they are doing wrong, we don't have that right. We can tell to our seniors that this is what is happening. They can handle the situation. But if we feel that we can help somebody, let us first invest in that relationship. They should feel like taking correction from us. If it is not happening, then even though we are giving correction, that will give reverse effect. It will neither elevate their consciousness, nor it will elevate our consciousness. So we should first invest and then withdraw. And that withdrawal should be less than our investment.
Is it okay, Mataji? Yes, Prabhuji. I was muted, so I was waiting to get unmuted. Thank you so much, Prabhuji. Very, very instructive, Prabhuji. Definitely, now it is more clear. And definitely, Prabhuji, I would imbibe this in my sadhana and my devotional practice. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna, Dandavat Pranams. Thank you, Prabhu. Prabhu, there's one question in the chat box, Prabhu. Prabhakar Prabhu is asking, Pranam, Parikshit Maharaj was saved by Krishna in Uttara's Garbha from Brahmastra released by Ashwatthama. However, as per shloka number 32, Arjuna retracted both Brahmastra weapons as Lord Shri Krishna desired. Was it different occasion or same? No, it was different. After that, when Ashwatthama was released, Ashwatthama again released one Brahmastra. See, now whole episode will come where Bhima would want to kill Ashwatthama, but Draupadi would want not to kill Ashwatthama. Then Krishna will mediate. And then finally, they will decide to insult Ashwatthama by taking up his jewel and then just leave him to Vander. So when they finally leave him to Vander, that time he again releases a Brahmastra to kill Parikshit Maharaj. And that was the time when Uttara comes and he prays to Krishna, 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 Mahabaho. And that's the time when Krishna saves Parikshit Maharaj in the womb of Uttara. So that was little after. It will again happen. Like one more Brahmastra will be released. Thank you, Prabhu. Prabhu, one query, Prabhu. You mentioned during your class that how we should be dependent on the devotee. Then we see the reciprocation is more actually, and we get more advices and more blessings from the devotee. On the other hand, sometimes devotee also think that, okay, maybe my Siksha Guru or Diksha Guru, and they understand they're very, very busy in their sadhana or some services. And they want a very minimum disturbance to them from their own end. So although they are dependent, but they do not express it or in the kind of, you know, the asking the questions or kind of advices every now and then. So that kind of feeling is okay, Prabhu, with the devotees? One time, one temple Srila Prabhupada visited, I think it was Los Angeles. And Srila Prabhupada was sitting with his disciples. And Srila Prabhupada noticed that one particular Mataji is not there. So Prabhupada asked, where is she? So devotees called for her and then she came. The Prabhupada asked, where were you? So that Mataji told Prabhupada, I don't want to waste your time. So Prabhupada said, there is nothing more important for me to take care of you. Why I'm quoting this particular pastime? That feeling is good that we don't want to disturb a Siksha Guru or Diksha Guru. But when we are in doubt, it's better to take guidance, because when we will commit any blunder, then they have to spend more time to rectify that thing. So better to save them from that time, you know, that wastage of time. So better we take little guidance, you know, whoever is approachable. Like if Diksha Guru is not approachable, there is Siksha Guru, and Siksha Guru can be multiple. Like if our main Siksha Guru is very busy, there can be some other Siksha Gurus also who can solve our day-to-day problems. So it's always good to take guidance than to commit bigger blunder. And then our Siksha Guru and Diksha Guru have to spend more time in solving that issue. So it's better to take guidance than committing big blunders. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. तो हम सभी मिलके प्रभु एक और प्रश्न लगता है यहाँ पर आया हुआ है, एक बार देखता हूँ मैं चैट बॉक्स में एक और कुछ प्रश्न दिख रहा है मुझे। प्रभु जी आपने बताया कि श्रीमद् भागवतम हमारे रिलेशनशिप और शरणागति लेनी है सिखलाते हैं, किंतु हम इस संबंध को सुनने के बाद भी हमारे अंदर ये भावना विकसित नहीं होती और नहीं होती या नहीं कर पाते, इसका कारण प्लीज बताइए। मैं अगर ठीक तरह से समझ पा रहा हूँ,
इनका प्रश्न है कि हम लोग भागवत में पढ़ते हैं कि कैसे हम भगवान से संबंध स्थापित करें, कैसे शरणागत हों, लेकिन फिर भी ये हो नहीं पाता है, तो कैसे हम इसकी शुरुआत करें। श्रील सनातन गोस्वामी इसके विषय में बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं कि हम जो अभी अवस्था में हैं, कृष्ण के प्रति शरणागत होना, उनसे संबंध बनाना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। इसीलिए हम गुरु से और वैष्णवों से संबंध बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अभी हमारी बद्ध अवस्था में हम भगवान को नहीं देख सकते, इवन भगवान के अर्चा विग्रहों को हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं। तो भक्त लोग जो हमारे सामने हैं, उनकी सेवा करके, उनको खुश करके हम लोग उस संबंध को बनाना शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे वही संबंध, वही भक्तों के प्रति प्रेम गुरु प्रेम में परिवर्तित होता है, वही गुरु प्रेम कृष्ण प्रेम में परिवर्तित होता है। तो इस तरह श्रृंखला में हम लोग अपने संबंध को बना सकते हैं। दूसरा इसका उपाय ये है कि जिन भक्तों ने इस संबंध को प्राप्त किया है, जिन भक्तों ने उस शरणागति के स्तर को प्रकाशित किया है अपने जीवन के द्वारा, उन भक्तों से सुन के, उनकी सेवा करके हम उस शरणागति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति शुद्ध भक्तों की संपत्ति होती है, ये कृष्ण की भी संपत्ति नहीं है। क्योंकि कृष्ण यदि किसी को देंगे और किसी को नहीं देंगे तो कृष्ण को हम लोग पार्शियल बोलेंगे। इसलिए ये संपत्ति कृष्ण भक्ति भक्तों की संपत्ति होती है। तो इन भक्तों की सेवा करके, उनसे सुन के हम कृष्ण भक्ति कृष्ण शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत आभारी हम आपके। आपने मायापुर धाम से भी इतना समय निकाल करके हम सबको इस विषय वस्तु पर आपने हमको लाभान्वित किया। And we are very, very grateful to you. And so many wonderful aspects came, Prabhu, today from this class, which we can practice in our day-to-day sadhana. So we are very, very grateful to please, you. Please bless me that I can also practice what I'm speaking. I need all. We seek blessing, Prabhu, and you are in the Dham only. We will differently pray, Prabhuji. हम सभी मिलके प्रभुजी का आभार प्रकट करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च वच, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू प्रभुजी। एंड प्रभु, दैट डे वी कुड सी प्रभु, इवन इट वाज वेरी लेट इन इंडिया, बट यू वर देयर टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एंड वी वर वेरी ब्लेस्ड टू हैव योर एसोसिएशन on the day of Maharaj. I was very happy to hear all devotees. Actually, that night my train was there at 1 o'clock. So I had to enter, you know, stay away. So it was blessing. Thank you. Thank you, Prabhu. Thank you for always your blessing association. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.